आज हम लोग इतना वन सवर के सज धज के कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज, मैं आप लोगों को दो दिन पहले ही बताई थी ना कि हम लोगों का कहीं प्लानिंग हो रहा है जाने का, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ 4 साल से जाने के लिए मैं सोच रही थी, लेकिन हम लोग के बार बार प्लानिंग कैंसिल हो जा रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। आज भी वही बात हुआ था, मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे आए और उनको सोते सोते 3:30 बज चुका था, लेकिन उनका तो मूड ऑफ था, लेकिन वो बोले नहीं चलो, रोज़ रोज़ वही बात हो जाती है, आज चलो आज दर्शन करके ही आते। तो थोड़ा लेट से ही निकले थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को सोने में भी देर हो गई थी और उठने का सुबह मन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए देरी हो गई थी। और ये देखिए, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना और बहुत ही जागरूक मंदिर है। और मैं तो घर से सोच के आई थी कि ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन यहाँ आके बजरंगबली के दर्शन करके ना सब कुछ भूल चुकी थी। मैं क्या बताऊँ, मेरी 4 साल से मैं सोच रही थी और आज माता रानी की कृपा से आज मैं बजरंगबली के दर्शन कर पाई। और हम लोग तो निकले थे बजरंगबली के दर्शन करने और हम लोगों का 2 काम हो गया। और मैं क्या बताऊँ, दुर्गा माता का भी हम लोग दर्शन करते हुए ही आए हैं, बहुत जगह पैंडल बना था और दुर्गा माता के दर्शन हो गए। आप लोगों की जो भी विशेष है वो मांग लीजिए, बजरंगबली ज़रूर पूरा करेंगे। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंदिर से आई और अपने किचन में लग गई हूँ काम पे। हम लोगों के जीवन में आराम नहीं है, कहीं से भी आइए बस अपने काम पे लग जाइए। चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, आपसे बाद में बातें करूँगी।
और मैं चाय नाश्ता करके दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। मैं नाश्ते में कुछ नहीं बना पाई क्योंकि ऐसे ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं चाय बना दी थी, सिर्फ बिस्किट और नमकीन दे दी थी तो वो लोग खा लिए थे। बाहर का तो अभी कुछ भी नहीं खा सकते क्योंकि बाहर के सब्ज़ी में तो लहसुन प्याज रहता है, इसलिए घर पे ही हल्का नाश्ता हो चुका। और ये मैं दोपहर के खाने में, आज तो सैटरडे है, सैटरडे को तो हम लोग के घर पे खिचड़ी ही बनती है, तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी और बादाम और चना, बादाम और नारियल की मैं चटनी बना दूंगी। बस यही हम लोगों के आज दोपहर का मेनू है। ये देखिए धूप, देखिए इतना तेज़ धूप हो रहा है ना कि क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है। और ये मैं शुभम को बोली कि बाबू तुम हल्का सा तुम बादाम को फ्राई करो हल्की आँच में, और शुभम को मैं काम पे लगा दी। और उसे काम करना, किचन का काम करना उसे बहुत अच्छा लगता है, या वो मेरे साथ काम करना उसको बहुत ही अच्छा लगा, किचन का हो या कहीं पूजा का हो, वो मेरे साथ साथ काम करता है। पीहू कोई हेल्प नहीं करती है लेकिन शुभम मेरा बहुत हेल्प कर देता है। मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना तो वो बर्तन भी बच्चा मेरा धो देता है। और मैं क्या बोलूँ, वो ऐसे तो गुस्सा बहुत करता है लेकिन मुझे कुछ होने पे ना वो मेरा ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखता है। और कहते हैं ना कि बेटियाँ सब काम करती है लेकिन मेरा बेटा ही मेरी बेटी है, जो सारा काम मेरा हर समय मेरा हेल्प करता है। और ये देखिए हम लोग हंस रहे थे क्योंकि ना अगर 5 मिनट पहले अगर मुझे मेरे जो मकान मालिक है ना वो प्रसाद में कचौड़ी और सब्जी और प्रसाद दिए थे, मिठाई दिए थे, तो इसलिए हम लोग हंस रहे हैं कि वो 5 मिनट अगर पहले देते ना तो हम लोग दोपहर का खाना नहीं बनाते। इसलिए मैं और शुभम हंस रही थी कि 5 मिनट पहले अगर मिलता ना तो ये मैं दाल चावल नहीं डालती। और मैं दाल चावल जैसे ही भिगोई थी वैसे ही उनका, मेरी जो मकान मालिक है उनका लड़का ये कचौड़ी सब्जी और मिठाई ये सब दे के गए। मैं क्या बताऊँ, इतनी हंसी आ रही थी ना। तो बताइए आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए हैं या मेरी तरह घर पे ही बैठे हैं? मेरा तो हर समय प्लान ही, मैं दुर्गा पूजा में कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। इस बार सोची थी कि इस बार घूमने जाऊँगी लेकिन फिर से प्लान कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा पाई। और मेरे हस्बैंड का तो, उनका तो काम ही रहता है दुर्गा पूजा के टाइम में, वो हम लोगों को कहीं नहीं ले जा पाते हैं। मैं ही कहीं जाती हूँ अकेले बच्चों को लेके, लेकिन वो भी आज नहीं जा पाई, देखूँ अगर कल जा पाऊँ। और मेरी जो फ्रेंड थी ना जिसका मैं हेयर कलर कर रही थी, उसकी तबीयत अचानक इतना ख़राब हो गया ना, इतना ख़राब हो गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसलिए और भी मूड ख़राब हो गया, इसलिए मैं घर पे ही हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए हैं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।